के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ है। सोमवार को एसआई ने ज्ञानवापी के साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण बिस्वीस की अदालत में जमा कराई। इसके बाद अगली सुनवाई 21 दिसंबर को किए जाने की घोषणा की गई। वही मंगलवार को हर किसी की नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 8 दिसंबर को 5 मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही आज की सुबह जस्टिस अग्रवाल ने इन 5 केस में फैसला सुनाया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर 5 याचिकाओं में से 3 वाराणसी कोर्ट में 1991 में दायर किए गए केस की पोस्टरियता से जुड़ी हुई थी। वही 2 अन्य याचिका एसआई सर्वेक्षण के खिलाफ दायर की गई थी। अब इन 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ है। सोमवार को एसआई ने ज्ञानवापी के साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जमा कराई थी। इसके बाद अगली सुनवाई 21 दिसंबर के लिए जाने की घोषणा की गई। वहीं अब हर किसी की नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी और ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंताजिया जो मस्जिद है उसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, एक बेंच ने इसको खारिज कर दिया है। और ये कहा सकता है कि इसमें वाराणसी के अदालत में मंदिर बहाली की मांग को लेकर मुकदमा को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद आज ज्ञानवापी केस की कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अंजुमन इंताजिया जो मस्जिद है और यूपी सेंटर वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका थी उसके एक बेंच ने खारिज कर दिया है, जिसमें कहा सकता है बनारस अदालत के समकक्ष एक लंबित जो एक सिविल मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी, जिसमें उस स्थान पर जहाँ एक मंदिर की बहाली की मांग की गई थी, जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, हिंदू पक्ष के वादी ने मुताबिक ज्ञानवापी का मुकदमा राष्ट्रीय स्तर का था, जिसमें योग्य चलने के साथ साथ धार्मिक पूजा स्थल 1991 में वर्जित नहीं थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया पवित्र स्थल के पास पास कोई भी कानूनी लड़ाई के पर्याप्त निरर्थक साबित हुए हैं। और जिसमें कहा जाता है अदालत के आगे आदेश में कहा गया है कि जितने भी उनके संबंधित ज्ञानवापी मामले में जितने भी संबंधित याचिकाएं थे उनको खारिज कर दिया गया है और मामले को तत्कालीन रेखांकित करते हुए दूसरी अदालत ने संकट मुकदमे को तेजी से चलाने के लिए कहा है कि 6 महीने में ये पूरे मुकदमे की जो जांच है वो हो जानी चाहिए, मुकदमा चल के खत्म होना चाहिए। और ये फैसला एएसआई द्वारा जिला अदालत में मस्जिद परिसर के एक सीलबंद कवर के सर्वेक्षण के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी, इसमें एक दिन के बाद लगभग 21 दिसंबर को यानी उसमें सुनवाई को निर्धारित की गई थी, जिसके आगे की देखते हुए जांच आवश्यक समझी गई और निचली अदालत ने आज निर्देश देते हुए अतिरिक्त सर्वेक्षण अदालत को ये आदेश दिया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान के साथ साथ जो ज्ञानवापी मामला है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो याचिकाएं थी उनको। झटका लगा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष को सबसे पहले झटका तब लगा था जब हाल में ही अभी कुछ दिनों पहले ये फैसला सुनाया गया था कि जो मंजूरी है जो सर्वेक्षण की उसकी दे दी गई थी और आज सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष को एक बहुत बड़ी जीत मिली है और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, तो आगे का क्या रुख होगा मुस्लिम पक्ष का? देखिए, अब मुस्लिम पक्ष किस तरह का रुख अपनाता है ये तो मुस्लिम पक्ष ही जान सकता है, लेकिन ये कह सकता है कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और साफ तौर पर कह सकता है कि याचिका जो पड़ी थी उस पे कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से कोर्ट हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। जो सभी याचिकाएं थी
उनको खारिज करते हुए ये कहा गया है कि 6 महीने में इसका फैसला जल्द से जल्द करके इसको जो मुकदमा है उसको खत्म किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि लंबी लड़ाई ज्ञान व्यापी मामले को भी लेकर चल रही थी और साफ तौर पे अब कहीं ना कहीं जो याचिकाएं हैं वो खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष किस तरह का फैसला लेता है, आगे कोर्ट में जाता है कि नहीं जाता है, ये तरह की तमाम तरह की अभी स्थितियां बनी हुई है और स्थितियां साफ होने तक ही पता पाएगा कि असली मुस्लिम पक्ष क्या फैसला उठाता है। लेकिन आज की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और हिंदू पक्ष को पक्ष के कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत कही जा सकती है, उनको उनके पक्ष में फैसला जरूर नजर आया है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद।